नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमेन। तो आज जो है कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है ब्रीडिंग के लिए, मतलब ब्रीडिंग के हवाले से। जैसे कि देखिए, मेल और फीमेल, ठीक है, एक बर्ड्स का एक मेल है एक फीमेल है, कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है फीमेल को अंडा ले करने का, ब्रीडिंग करने का। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि फीमेल ज्यादा जिम्मेदार होता है, फीमेल बॉक्स या मटकी के अंदर घुसती है, अंडा ले करती है, हैच करती है, बच्चे को फीड करती है। लेकिन मुझे लगता है कि 70-60% जिम्मेदार, फीमेल से भी ज़्यादा जिम्मेदार होता है मेल, फीमेल को ब्रीडिंग कराने का, बच्चे पैदा करने का, अंडे देने का, ये सब मेल में ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप मेल अच्छा चूज़ कीजिए। जो भी लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारे पास बहुत दिन हो गया, अंडा ले नहीं कर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, ब्रीडिंग ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जो भी नहीं बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है मेल। आप मेल को चूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा साइज मेल को चूज़ कीजिए, जो मेल मतलब कि एक्टिव हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देखिए, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, दो बर्ड्स का दो पेयर है। तो उन दोनों में आप नोटिस कीजिएगा कि मेल हमेशा बाहर बैठती है, ठीक है, फीमेल बॉक्स से मटकी के अंदर होती है। लेकिन फर्स्ट फीमेल बॉक्स से मटकी के अंदर नहीं जाती। बहुत बार आपने देखा होगा लबर्स में हो या बर्जिगर पैकेट में हो, ठीक है, बर्जिगर पैकेट में आप देखा होगा कि मेल जोड़ी बनाती है, चोज बनाती है फीमेल से, फर्स्ट मेल जाती है वो बॉक्स मटकी के अंदर ढक्कन के ऊपर बैठती है, या फिर ढक्कन का जो होल होता है वहाँ पर जाके बैठती है, बैठ के फीमेल को आकर्षित करती है, ठीक है, जो एक हुईसिल जो साउंड होती है, ठीक है, सेक्सुअल मेल फीमेल को डाकती है, बुलाती है, और फीमेल फिर बॉक्स के अंदर घुसती है, मटकी के अंदर घुसती है, उसे देखती है सब ठीक ठाक है कि नहीं, वहाँ पे सुरक्षित है कि नहीं। उसके बाद कुछ कचरा वचरा होगा तो बाहर फेंक देती है, ठीक है। और जो लोग नेस्टिंग करने वाला बर्ड होता है, जैसे कि फिंचेस लवबर्ड, वो लोग नेस्टिंग करते हैं, घोंसले को सजाती है, उसके बाद मेल फीमेल या फीमेल जाके अंडा देती है, मेल मेटिंग करता है, मेल उसे चूज करता है, मेल बाहर बैठी रहती है हमेशा, फीमेल अंडे को हैच करती है, फीमेल खाना खाने के लिए ठीक टाइम पे नहीं आती कभी कभार, आपने देखा होगा, मेल फीड कराती है फीमेल को, ठीक है, मेल फीड कराती है फीमेल को, फीमेल बच्चों को फीड कराती है, हमेशा मेल बाहर बैठा रहता है, खाना खाते रहता है, कंटिन्यूसली खाना खाते रहता है, और फीमेल को फीड कराती रहती है मटकी या बॉक्स के ढक्कन के सामने जाके, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ठीक है। और ये टोटल बात है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आ रहा है और समझ में आ चुका होगा कि जो भी लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि बर्ड्स अंडा नहीं दे रहा, इनफर्टाइल अंडा दे रहा है, बहुत बार इनफर्टाइल अंडे देने की जिम्मेदार मेल भी होती है, इनफर्टाइल अंडा देता है, बच्चे मर जा रहे हैं, ठीक है, ब्रीडिंग ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपका मेल, आपने ऐसा मेल चूज किया जो हमेशा ही सुस्त होकर बैठा रहता है, मतलब एक्टिव कम एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है, आपने ऐसा मेल चूज किया होगा, ये सब बातें होती है, ठीक है। ये सब देखिए कि मेल किस तरह का एक्टिव मेल है कि नहीं। एक मेल में आप देखेंगे, मेल में आप ना जब भी कोई बर्ड देखेंगे, मेल को आप दूर से देख के पहचान सकते हैं कि हाँ, ये मेल ज़बरदस्त साइज का मेल है और मेल अच्छा मेल है। कोई भी एक फीमेल के साथ देखेंगे तो ये मेल फटाक से जोड़ी बना लेगा, और मेल अगर अच्छा होगा तो आपका जोड़ी भी फटाक से बन जाता है। लवबर्ड्स में मैंने देखा है कि 10 से 12 दिन के अंदर, बहुत से लोग बोलते हैं कि लवबर्ड्स में जोड़ी वैसे नहीं बनता है, टाइम लगाता है, लवबर्ड्स का जोड़ी टाइम लगाता है, कॉकटेल का जोड़ी एक बार टूट जाए तो दोबारा बनने में टाइम लगाता है, कोई एडल्ट कॉकटेल का दोनों का जोड़ी बनाएंगे तो टाइम लगता है, ठीक है। फिंचेस का जोड़ी अच्छा बन जाता है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं लवबर्ड्स का जोड़ी बनने में टाइम लगता है, ठीक है, एडल्ट ऐसे मेल फीमेल को छोड़ देंगे, फटक से जोड़ी नहीं बनता। ये सब बातें बहुत हद तक गलत है, बहुत हद तक गलत बात है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, पिछले साल भी देखा है, इस साल भी देखा है, कुछ लवबर्ड्स में ऐसे ही, मान लें मेरे पास मेल है या फीमेल है, ये मेल मैं दोनों ही बाहर से खरीद के लेके आता हूँ, कुछ उसे रखता हूँ केज में, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, वो लोग जोड़ी बना लेते हैं। मैंने देखा है कि मेल को फीमेल के केज में छोड़ना है, फीमेल के केज में मेल को नहीं छोड़ना है। अगले साल भी किया था मैंने, एक मेल मरा था, वो फीमेल को चूहा काट लिया था, तो फीमेल को मैंने, फीमेल थोड़ा मर गया था, ठीक है, हैंड प्रिंटिंग पे कुछ दिन रखा था, लेकिन टाइम नहीं हो पाया था, वो खा नहीं पाया था, फीमेल मर गया था, ठीक है। लेकिन वो मेल सिंगल था, मैंने कुछ दिन बाद, एक महीना डेढ़ महीने बाद, एक फीमेल एडल्ट मिला मुझे, मैं खरीद के उसके केज में, फर्स्ट मैं एक बच्चा मेल खरीदा था, आपको वीडियो बना के शेयर किया था, बच्चा मेल खरीदा था दिया था, बच्चा फीमेल खरीदा था, उस मेल के साथ छोड़ा था, जोड़ी नहीं बन रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों एडल्ट है, जोड़ी क्यों नहीं बन रहा, आई थिंक इसका एज कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। बहुत से दादा को मैं दिखाया वीडियो डाल दी, इसका एज आप नोटिस कीजिए, कम है या ज़्यादा है, बहुत से दादा ने बोला इसका एज कम है, मुझे भी वही लगता था कि इसका फीमेल के साथ एज कम नहीं, इसलिए जोड़ी नहीं बन रहा है, वो सब आपको समझना होगा। तो फिर मैंने किया उसको इसके एक्सचेंज करके एक एडल्ट फीमेल लेके, उससे भी थोड़ा बड़ा दिया, दो तीन दिन के अंदर जोड़ी बन गया, 10 से 12 दिन के अंदर
वो लोग बॉक्स मटके में घुसने लगे, नेस्टिंग वेस्टिंग सब मैंने डाल दिया था। कुछ दिन बाद मुझे अंडा मिल गया, कुछ दिन बाद बच्चे भी मिल गया। मैंने प्रोग्रेस भी वीडियो का शेयर किया था अगले साल का, आप जाके देख सकते हैं 2018 का, ठीक है, फर्स्ट वीक में शायद होगा या 2017 के लास्ट में, मुझे उतना याद नहीं है। इस साल भी मैंने ये किया था कि पॉइंट वाला लाभ बर्ड जो आपको दिखाया था इसका भी मतलब ऐसा किया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा वो जो पॉइंट वाला जो लबर्ड है, तो वो मतलब किस तरह से है, तो ठीक है वैसे ही वो अंडा वंडा ले किया, प्रोग्रेसिव वीडियो बना के शेयर किया था, सब कुछ दिखाया था। वही है कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसे ही जोड़ी बन जाता है। बस आपको मेल अच्छा चूज करना चाहिए, एक एडल्ट मेल और अच्छा खासा मेल चूज करना चाहिए जो एक्टिव हो ज़्यादा अंडर से, ठीक है, जोड़ी बन जाता है। वैसे ही ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा मुझे जो जिम्मेदार लगता है कि मेल होती है, मेल फीमेल को आकर्षित करती है, मेल वो जो होल होती है वहाँ पे जाके घुसती है, चिल्लाती है, फीमेल को डाक बुलाती है, फीमेल फिर घुसती है, जाती है, देखती है, अंडा ले करती है, ठीक है, ये सब बात टोटली मेल ज़्यादातर करती है। और आपने देखा होगा कि बच्चे मरने की भी जिम्मेदार मेल होती है, मेल क्या करती है, बच्चे जब है छोटे बच्चा है, मेल क्या करती है, फिर से मेटिंग के लिए फीमेल को बुलाती है, तो उस अवस्था में क्या करती है, फीमेल मेल फीमेल बच्चों को फीड करना छोड़ देती है, तो जब भी छोड़ देती है वो सारे बच्चे मर जाते हैं, और वो मेल फिर से मेटिंग करता है, फिर से दोबारा बच्चे देने के लिए, और बच्चे इतना बड़ा बड़ा बच्चा मरने की भी जिम्मेदार होती है मेल, क्योंकि कुछ दिन बाद वो फिर से अंडा लेकर के मेल फिर से हीट पे आ जाती है, मेल चाहती है बहुत दिन हो गया अभी चलो फिर से नया बच्चा करते, तो फीमेल को वैसे ही बोलती है, वैसे ही मीटिंग वेटिंग करती है, तो फीमेल जान जाता है कि हाँ मुझे फिर से अंडा ले करना है, इसलिए वो अगले बच्चे को मार देती है, फेंक देती है, अंडे को फेंक देती है, बच्चे को मार देती है, या फिर बच्चे को फीट करना छोड़ देती है, और इस वजह से भी बहुत से बच्चे मर जाते हैं। ये टोटली जो रीज़न मुझे लगा कुछ दिनों में ये नॉलेज आप लोगों ने शेयर किया, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि बच्चे मर रहे हैं और ब्रीडिंग ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, और मैं भी सोच रहा था कि ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये कुछ दिनों में जाना कि मेल बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। तो ये वीडियो सही है गलत है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक या डिसलाइक के माध्यम से मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, तो देखते रहिए पेट समय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।